आज रोटी आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुखबीर शर्मा ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में दिल्ली में देश भर में चलाए जा रहे रोटी आंदोलन और ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के केंद्रीय कार्यालय का भव्य उद्घाटन किया गया, जिसमें क्या हिंदू क्या मुस्लिम सभी जाति धर्म के लोग मौजूद रहे और सभी ने पंडित सुखबीर शर्मा को फूल माला पहनाकर मिष्ठान श्रीफल फूलों का गुलदस्ता बारी बारी से देकर और पगड़ी बांधकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में केक भी काटा गया और केक से सभी का मुंह मीठा कराया गया। ऑफिस का उद्घाटन श्रीफल तोड़कर और फीता काटकर पूरे विधि विधान के साथ ऑफिस में प्रवेश किया गया। सभी ने पंडित सुखबीर शर्मा को रोटी आंदोलन को और बेहतर बनाने की शुभकामनाएं दी। मीडिया से रूबरू होकर पंडित सुखबीर शर्मा ने कहा कि रोटी आंदोलन देश और खासकर दिल्ली के गरीब मजदूरों, किसानों, झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों और हर धर्म हर जाति के लोगों की आवाज बनेगा। रोटी आंदोलन एक सामाजिक जागरूकता अभियान भी है। सबसे पहले हम दिल्ली के गांवों में जाकर जिनकी जमीन पर दिल्ली बसी हुई है उनकी परेशानियों को चिन्हित कर रहे हैं, जिसके लिए हमने एक कमेटी का गठन किया है, जिसमें हमारे जनरल सेक्रेटरी रविदत्त गौड़ की अध्यक्षता में गाँव की समस्याओं को अगले 15 दिन के अंदर किया जाएगा, जिसके तहत हमारा आंदोलन शुरू होगा। वहीं उन्होंने देश में फैले हिंदू मुस्लिम वातावरण पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मुस्लिम ही हमारे भाई हैं, इसी देश से निकले साथी और परिवार हैं। सबसे ज्यादा कामगार मुस्लिम समुदाय से ही आते हैं। मैं पिछले 40 सालों से इनके साथ मिलकर काम कर रहा हूँ। मेरे लिए कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। अगर वह गरीब है तो मेरे लिए सिर्फ इंसान है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वह किस जाति किस समुदाय से है। मेरे जीवन का लक्ष्य यही है कि उनके जीवन से तकलीफों को दूर करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कहा कि देश में भ्रष्टाचार 0% होना चाहिए, मैं उन्हीं के दिशा निर्देश पर चलकर रोटी आंदोलन बड़ा कदम उठाने जा रही है। सबसे पहले जो भारत सरकार ने जो कच्ची कॉलोनियों को पक्का किया था, जिसमें दिल्ली सरकार के कुछ अधिकारी काम को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, उसकी तहकीकात करके आवाज उठाएंगे। यही हमारा दूसरा काम होगा। हमारा काम घर घर रोटी पहुँचाना नहीं है, बल्कि जो भ्रष्टाचार की वजह से गरीबों के मुँह तक निवाला नहीं पहुँचने दिया जा रहा है, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को उजागर करके उनके खिलाफ आवाज उठाना है, ताकि सरकार द्वारा गरीब की थाली में रोटी पहुंचने से कोई रोक नहीं सके। इस संगठन जो रोटी आंदोलन है, इस देश और खास तौर से दिल्ली के गरीबों की आवाज़ बनेगा। जहां गरीब मजदूरों का, किसानों का, गांव के लोगों का, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों का और हर धर्म के लोगों का, जहां चाहे कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी है या मेजोरिटी कम्युनिटी है, ये धर्म और जाति से ऊपर उठ के एक सोशल मूवमेंट है और ये आंदोलन है। हम सबसे पहले दिल्ली के देहात में, गांव में, जिनकी दिल्ली, जिन्होंने ज़मीन पे दिल्ली बसी है, उनके तकलीफ को एड्रेस कर रहे हैं और उसमें हमने कमेटी बना दी है। हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं रविदत्त गौड़ जी, उनके अध्यक्षता में। तो वो जो गांव की समस्याओं को अगले 15 दिन के अंदर नोटिस करके और उसके बाद हम आंदोलन चालू करेंगे दिल्ली में। देखिए, हमने सबसे पहले जो शुरुआत करनी है, जैसा अध्यक्ष जी का आदेश है और जो सोचा सोच विचार किया है कि गांवों से हम शुरुआत करेंगे। गांवों की समस्या ये है कि 360 गांवों पे पूरी दिल्ली बसा दी गई, आज भी नेगेटिव एरिया में कहलाते हैं। अगर वो लोन लेने जाते हैं नहीं मिलता है, कहीं भी कहीं पार्क नहीं है। अर्बनाइज विलेज डिक्लेयर कर दिए गए मगर ना पार्क है, ना पार्किंग है, ना ही कोई कम्युनिटी की जहाँ पर इकट्ठा हो सके, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। जहाँ पे गांव वालों को बिल्कुल नरक बना दिया गया है, उन गांवों की समस्या पे कोई भी सरकार किसी भी तरह का ध्यान नहीं दे रही है और दिल्ली सरकार खास तौर पे बिल्कुल नेगलेक्ट किया जा रहा है। गांव की तरफ कोई ध्यान नहीं है, बहुत ही बुरी दशा में है। कहने को झुग्गी झोपड़ी को हर कोई ले लेता है, उनकी भी समस्याएँ हैं, उनको भी हम लेंगे, मगर गाँव की समस्याओं को आज तक किसी ने लिया। जैसे अध्यक्ष जी ने रिपोर्ट कहा है, 15 दिन के अंदर मैं रिपोर्ट सौंप दूंगा, फिर जैसा कार्रवाई होगी, अध्यक्ष जी का जैसा प्रोग्राम होगा वैसे हम साथ खड़े रहेंगे और रोटी आंदोलन से हम लोग इन चीज़ों को हल कर पाएंगे। जो जो हमारे भाई साहब हैं परम आदरणीय परम सरदेय सुखबीर शर्मा जी ने रोटी मूवमेंट की जो आवाज़ है वो आज से नहीं, वो 40 साल से गरीबों की और मजदूरों की सेवा कर रहे हैं। आज उन्होंने उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि गरीबों की सेवा करने के लिए चाहे उन्हें दिल्ली सरकार से लड़ना पड़े या किसी से भी लड़ना पड़े, उनके अधिकारों के लिए, लोगों की बेरोजगार, जो नौजवान है हमारे, बेरोजगारी की लड़ाई के लिए, उनको अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़नी पड़े, वो उसके लिए 24 घंटे रोटी मूवमेंट के माध्यम से दिल्ली के अंदर एक ऐसी आवाज़ बन के उभरेंगे गरीबों को और मजदूरों की, जो हमारी अनऑथराइज कॉलोनियाँ, झुग्गी झोपड़ी हैं,
चाहे किसी भी धर्म का आदमी है, किसी भी जाति का आदमी है, रोटी मूवमेंट में वो लोग इस तरीके से जुड़ रहे हैं कि दिल्ली के अंदर एक नया जन सैलाब आने वाला है। एमसीडी में चाहे सफाई कर्मचारियों की आवाज़ हो, गरीबों की आवाज़ हो, किसी आवाज़ को कोई दबा नहीं पाएगा, इस आवाज़ को हम बुलंद करके रहेंगे। दिल्ली से बीसीएन न्यूज़ के लिए संवाददाता ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।